क्वेश्चन इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर इज 0.8। मतलब एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव का 0.8, ठीक है, और यही मैग्निफिकेशन एक लेंस ने प्रोड्यूस किया और एक मिरर ने भी यही मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया। आपको इन दोनों लेंस और मिरर बताना है कि लेंस और मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या फिर कॉनवेक्स है, ठीक है, दोनों में आपको ये बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। देखो जब कभी भी आपका मैग्निफिकेशन प्लस का हो तो आपका जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, लेंस की बात करूं, सो हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है आपका कौन सा, कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। अब देखो एम आपका क्या है, 0.8, मतलब यहां पर आपका एम जो है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कम है, ठीक है। इमेज की हाइट, मान लो ये इमेज की हाइट है, ये देखो इमेज ये है, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इमेज ये है, जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से कम हो, और ये वैसे मैंने गलत बता दिया फिलहाल, ठीक है, देखो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो आपका इमेज कहां बनती है, पीछे की तरफ बनती है, और इमेज कैसी होती है यहां पर, वर्चुअल, ठीक है। सो कॉन्वेक्स के केस में तो ये वाला सीन होता है कि वर्चुअल इमेज बनती है और इमेज का हाइट, इमेज की हाइट ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से, मतलब यहां पर जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब इस पर आ जाओ, जहां पर तो यहां कॉनकेव मिरर में तो आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी ही बनेगी, मतलब यहां पर आपका इमेज का हाइट छोटा होता है ऑब्जेक्ट की हाइट से, इसका मतलब आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, छोटा होता है 1 से। सो यहां पर आपका मैग्निफिकेशन छोटा है 1 से, ठीक है, 0.8 है, 1 से छोटा है, तो यहां पर आपका लेंस कौन सा हुआ, कॉनकेव। सो लेंस तो हमने पता लगा लिया कौन सा है, कॉनकेव। अब हम बात करते हैं अपने मिरर की, चलिए मिरर की बात करते हैं। देखो मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका कॉनकेव, दूसरा होता है आपका क्या, कॉनवेक्स, ठीक है, ये आपका कॉनवेक्स है, ये आपका कॉनकेव है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को अगर पोल और फोकस के बीच में रख दें तो आपका जो इमेज बनती थी वो कैसी होती थी, वर्चुअल, कुछ यहां पर वो इमेज बनती थी, और इमेज का साइज बड़ा होता था ऑब्जेक्ट से, मतलब यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होता था, बड़ा होता था 1 से, और ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव, ठीक है। कॉनवेक्स में उल्टा होता था, इसमें इमेज तो हमेशा वर्चुअल ही बनती थी और पर आपका मैग्निफिकेशन क्या होता था, छोटा होता था 1 से। तो मिरर आपका कौन सा हो गया, क्योंकि मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है तो आपका मिरर कौन सा हो गया, कॉनवेक्स, और दोनों ही केसेस में इमेज आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो आपको लेंस और मिरर का नेचर पता चल गया, इमेज का नेचर भी पता चल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन।